तो दोस्तों जैसे ही मैंने मीशो के इस वर्क फ्रॉम होम जॉब के ऊपर अप्लाई कर दिया है ना, तो मुझे यहाँ पे कंपनी की तरफ से मेल आ चुका है। सिंपल है, आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट का काम करना है। आप वॉइस या फिर नॉन वॉइस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि क्या है, आपको कॉलिंग पे बात करनी है या फिर आपको सिंपली ईमेल पे सपोर्ट देना है, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। 30 से 35 हज़ार की सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपने 12th पास किया है ना तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिंपली असेसमेंट टेस्ट में अगर मैं पास हो जाता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाऊंगा। सिंपली मीशो कंपनी के कस्टमर सपोर्ट का यहाँ पे मुझे काम मिलने वाला है, ठीक है। और ये पूरा काम जो है ना वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, तो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली अपने घर बैठे मुझे ये काम करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों को ऐसी जॉब की तलाश है उनके लिए आज का ये वीडियो रहने वाला है, तो वो लोग इस वीडियो में जरूर बने रहिए। देखिए दोस्तों, आपको किस तरीके से फॉर्म जो है ना फिलअप करना है एप्लीकेशन का, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूँ और किस तरीके से आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम वाली जॉब जो है ना हमेशा लेके आता हूँ, तो कुछ मैं यहाँ पे अपना जो है ना इनपुट देता हूँ, तो आप भी यहाँ पे कुछ इनपुट दे दीजिए। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो जो है ना थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो एक लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, ये है मेरे चैनल का नाम, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे के साइड में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। आपको देखिए दोस्तों, लेटेस्ट में जो भी मैंने वीडियोस बनाए उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं तो कोई बात नहीं, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आज का जो जॉब रहने वाला है आपका कस्टमर सपोर्ट का काम होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए। एक तो आप वॉइस पे भी बात कर सकते हो, मतलब कि कॉल पे डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट दे सकते हो, या फिर सिंपली आप चैट के जरिए भी यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो जिनको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए। आपको सैलरी यहाँ पे 30 से 35 हज़ार की स्टार्टिंग में मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। इस कंपनी का सिंपल एक ही काम है, ये एम्प्लॉयज प्रोवाइड करती है अलग अलग ई कॉमर्स कंपनीज के लिए या फिर हेल्थ केयर कंपनीज के लिए, जहां पर कस्टमर सर्विस एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो आपको अप्लाई करना है consultix.com इस रिक्रूटमेंट कंपनी के जरिए मीशो के लिए, ठीक है। तो जो फॉर्म है, जिस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, वो डायरेक्टली मैंने लिंक आपको दे के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। इस फॉर्म को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या चीजें फिलअप करनी है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो है ना वो आपको यहाँ पे डालना है। आपके मोबाइल फोन पे भी आपको एक मैसेज आ जाएगा जहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है, जब आपको असेसमेंट टेस्ट देना होता है तब। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी डालेंगे तो ही आपको यहाँ पे ईमेल पे आने वाला है पूरा डिटेल, आपको जो असेसमेंट टेस्ट का डिटेल आने वाला है आपको ईमेल पे आने वाला है, ठीक है। आधार नंबर आपको यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई करना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन में आधार नंबर जो है ना आईडी प्रूफ के लिए आधार यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे कोई बैंक डिटेल नहीं डालनी है, सिंपली आपका आधार नंबर डालना है, ठीक है। फादर्स नेम में आप अपना फादर्स नेम जो है वो डाल दीजिए। आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है, पिन कोड, स्टेट, सिटी। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आर यू 18 ईयर्स ओल्डर, तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रीफर्ड वर्क लोकेशन जो है ना आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपके आसपास में जो भी शहर है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू योर प्रीफर्ड वर्क लोकेशन, तो अगर आपको रिलोकेट करना पड़ सकता है तो आप यहाँ पे यस नो में है ना आंसर दे सकते हो, ठीक है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक्स एम्प्लॉय जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट रखना है। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम भी यहाँ पे सिलेक्टेड है, वो भी यहाँ पे सिलेक्टेड ही रखना है, और एम्प्लॉय का कोड जो है ना वो भी यहाँ पे सिलेक्टेड रखना है। तो जैसा है वैसे आप यहाँ पे रहने दीजिए। आर यू विलिंग टू वर्क में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है ना आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, आपने सिंपली 12th पास किया है तो भी आप यहाँ पे आप इलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, 12th यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है या फिर अदर है, वो सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो नाम है ना वो आपको डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद कॉलेज का नाम डालना है। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो है आपका वो डाल दीजिए। फिर ज्वाइनिंग एंड पासिंग, मतलब आपका पास आउट ईयर जो है ना वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अब रिजल्ट में देखिए दोस्तों, आप पास हो या फिर अवेटेड हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस में देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे यस नो डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो डाल दीजिए। डू यू हैव यूएएफ ईपीएफ अकाउंट, तो सिंपली आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसेस अप्लाइड फॉर, मतलब कि आपको किस कैटेगरी में जॉब करना है, मतलब कि नॉन वॉइस में काम करना है कि वॉइस में काम करना है। आप यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें भी नॉन वॉइस और वॉइस प्रोसेस जो है ना वो प्रोवाइड की गई। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आप सिंपली नॉन वॉइस के लिए अप्लाई कर दीजिए, जिसमें आपको कोई कॉल पे बात नहीं करनी होती, ठीक है। एडवाइजर कस्टमर सर्विस नॉन वॉइस, ठीक है। प्लीज लिस्ट इंडियन लैंग्वेजेस यू कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक, तो आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिख सकते हो, दो चीजें दो लैंग्वेज आपको आती है, और आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है अगर कोई तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डू यू हैव ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे सिंपली अगर डिप्लोमा आपने किया है तो आप यस कर दीजिए। हैव यू एवर वर्क विद कॉन्सेंट्रिक्स, तो सिंपली आपको यहाँ पे नो करना है।
और हैव यू एवर वर्क विद कॉन्सेंट्रिक्स IBM डक्स, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है। ये कैप्चा जो है ना आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, और ये जो भी आपको चेक मार्क है ना वो कंप्लीट कर लेना है सभी के सभी। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट असेसमेंट लेटर के ऊपर क्लिक करते हो तो सिंपली आपका फॉर्म जो है ना सबमिट हो जाता है और आपको ईमेल आ जाता है। 1-2 सेकंड के अंदर ही आपको यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो सिंपली आप अपने स्पैम फोल्डर को चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। डियर कैंडिडेट, वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकम यू इन द कॉन्सेंट्रिक्स फैमिली सून। यू आर गेटिंग दिस ईमेल बिकॉज यू आर जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम अ जॉब कन्फर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे असेसमेंट टेस्ट जो है ना वो कम्प्लीट करना है। अब मैं आपको बताऊँ तो असेसमेंट टेस्ट जो है ना 5-10 मिनट का काम नहीं है, और आपको यहाँ पे असेसमेंट कम्प्लीट करने के लिए लगभग 7 दिन जो है ना आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप एंड्रॉइड वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप iOS वर्जन यूज़ कर रहे हो तो सिंपली इस लिंक के ऊपर आपको वो ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से ये टेस्ट देनी है तो सिंपली देखें दोस्तों, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का। और देखें दोस्तों, आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ सकता है, एक ब्राउजर है जिसको इंस्टॉल करने पर उस ब्राउजर में आपका टेस्ट जो है ना वो ऑन होने वाला है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इस ईमेल के अंदर असेसमेंट टेस्ट को पास करने के लिए। चले आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखें दोस्तों, इस जॉब के बारे में सारी जानकारी जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। कैसे अप्लाई करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टेस्ट कैसे आपको देना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। सिर्फ टेस्ट कंप्लीट करना ही बाकी है जो कि आपको करना है। अगर आपको जॉब पानी है तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देखें दोस्तों, असेसमेंट टेस्ट ही है जो कि आपको जॉब सिलेक्शन के लिए पास में लेके जा सकता है। अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप बाकी के जॉब जो है ना उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आप वर्क फ्रॉम पार्ट टाइम में भी अप्लाई कर सकते हो और फुल टाइम में। मेरे चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हुए हैं। देखिए दोस्तों, कुछ जॉब्स के ऊपर तो आपको टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो वैसे जॉब्स के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर सिंपली आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होने वाला है। आपको हिंदी आती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप 12th पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ्रेशर्स वाले बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है जिनको आप विजिट कर सकते हो, मेरे चैनल में जाके बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में। धन्यवाद।